आज देश ने एक ऐसी खास शख्सियत को खोया है जिसने राजनीतिक गलियारों में अपनी छवि एक प्रखर वक्ता के रूप में बनाई और उन्हें जन मंत्री कहा जाने लगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता कुशवाहा। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज ने आज हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। इस दुख की घड़ी में पूरे देश में शोक की लहर फैली हुई है। ऐसा लगता है मानो सुषमा स्वराज को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना एक आखिरी ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, अपने जीवन काल में मैं इस दिन को देखने का इंतजार कर रही थी। अब ये केवल एक इत्तेफाक था या कुछ और, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। 9 बार सांसद रही सुषमा स्वराज ने जनता के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई थी। लोगों के दिलों में प्यार इतना था कि ट्विटर पर भी 1,20,00,000 से ज्यादा उनके फॉलोअर्स थे। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। उन्होंने महज 25 साल की उम्र में पहला चुनाव जीता और सबसे युवा कैबिनेट मंत्री की उपलब्धि भी हासिल की। ये बेहद ही सराहनीय था। सुषमा स्वराज अपने सरल स्वभाव और बुलंद हौसलों से जानी जाती थी। इसी वजह से उन्हें असाधारण सांसद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और सुषमा स्वराज देश की अकेली महिला राजनेता बनी जिन्हें ये पुरस्कार मिला। 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के अंबाला में जन्मी सुषमा स्वराज ने 1970 में ही छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी। 18 साल की उम्र में वो एबीवीपी से जुड़ी और कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। साल 1977 में उन्हें मात्र 25 साल की उम्र में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उन्होंने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के लिए विधायक का चुनाव भी जीता था। इसके बाद 1977 से 79 में वो राज्य की श्रम मंत्री रही। 80 के दशक में भाजपा के गठन के वक्त ही वो पार्टी में शामिल हो गई थी। महज 27 साल की उम्र में वो हरियाणा में भाजपा की अध्यक्ष बन गई। 21 साल की उम्र में सुषमा स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। इस दौरान उनकी मुलाकात स्वराज कौशल से हुई। दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई, जिसके बाद 1975 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया और विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। फिर जीवन में एक नन्ही परी आई जिसका नाम रखा गया बांसुरी कौशल। सुषमा स्वराज ने बेटी का नाम बांसुरी इसलिए रखा था क्योंकि वो श्री कृष्ण की बड़ी भक्त थी। बांसुरी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और इनर टेंपल से कानूनी की डिग्री भी हासिल की। वो भी अपने पिता की तरह दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों की जानी मानी वकील जानी जाती हैं। सुषमा स्वराज भाजपा की एकमात्र महिला नेता थी जिन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक की राजनीति की। सुषमा स्वराज का स्वभाव ऐसा रहा है कि जो भी उनसे मिला उनका फैन बन गया। उनकी पहचान एक प्रखर वक्ता की थी। वो जितना अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थी उतना ही अपने बुलंद हौसलों और बेबाकी के लिए भी जानी जाती थी। मोदी सरकार में उन्होंने बतौर विदेश मंत्री कई देशों की यात्रा की। उन्होंने अपने कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत छवि बनाई। विदेश मंत्री के पिछले कार्यकाल में सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता को लेकर काफी चर्चा में रही। ऐसे कई वाक्य सामने आए जब विदेश में मौजूद किसी भारतीय ने ट्विटर पर उनसे मदद मांगी और उन्होंने उसकी मदद भी की। मोदी सरकार एक में सुषमा स्वराज उन मंत्रियों में शामिल थी जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव माने जाते थे। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से उनका सीधा संपर्क बनाना देश की जनता को काफी पसंद आया। सुषमा स्वराज हरियाणा से सक्रिय राजनीति में आई और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा वो कई बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। आपातकाल के दौरान भी उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। सुषमा स्वराज 1990 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। पहली बार लोकसभा पहुंचने पर ही अटल बिहारी की 13 दिन की सरकार में उन्हें केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी।
12वीं लोकसभा के लिए दक्षिणी दिल्ली चुने जाने पर वो एक बार फिर केंद्रीय सूचना प्रसारण बनी। इस बार उन्हें दूरसंचार मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। साल 1998 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी। पार्टी की कदावर नेता होने के बावजूद सुषमा स्वराज ने साल 1999 में आम चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और साल 2000 में वो एक बार फिर राज्यसभा पहुंची। उन्हें एक बार फिर सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। मई 2004 तक वो सरकार में रही। साल 2009 में भी वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनी गई और राज्यसभा में प्रतिपक्ष की उपनेता बनी। सुषमा स्वराज 3 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुकी हैं। अंतिम बार साल 2014 में वो विदिशा से लोकसभा सांसद बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। 15वीं लोकसभा में उन्होंने बतौर नेता प्रतिपक्ष संसद में पार्टी का नेतृत्व किया। 2016 में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वास्थ्य कारणों के चलते सुषमा स्वराज ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उनके पति ने कहा था कि एक समय के बाद मिल्खा सिंह ने भी दौड़ना बंद कर दिया था। आप तो फिर भी 41 साल से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति से किनारा करने के बावजूद भी वो पार्टी, देश और देशवासियों के लिए अंतिम सांस तक काम करती रहीं।